तो फाइनली गाइस हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुका हूं और देख सकते कितना ही ज़्यादा साइलेंस है यहां पर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। टुडे इज़ वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी डे। आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी का फिर से एक बार सबको राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और कल थी 8 जनवरी, जो कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सैड स्टोरी थी। आपने पूरी कहानी सुनी 8 जनवरी की, लेकिन एक दिन बाद ही इतना खुशी का दिन आया है कि आप सोच नहीं सकते। और इसलिए मैं कहता हूँ, हमेशा अपने लाइफ में कभी खुशी कभी गम चलता रहेगा, लाइफ चलती रहेगी, लेकिन हमें अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, हमें टूट नहीं जाना है, फिर से खड़े होना है, ठीक है। तो आज बहुत ज़्यादा मैं हैप्पी हूँ, एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आज आने वाले हमारे घर में नए मेहमान, और यानी आज है ममता का डिस्चार्ज, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, सुबह सुबह उठाऊँ। आप देख सकते हैं गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, फ़ैन चल रहा है मेरे रूम का, और यहाँ से अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है उनको रिसीव करने, क्योंकि आज हो रहा है उनका डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज होती है, हम घर आने वाले हैं हमारे नए लिटिल छोटे से नन्हे से प्यारे से मेहमान को लेके, और वो सरप्राइज़ आपको देने वाला हूँ मैं घर आने के बाद। अभी मुझे नहा धो के फटाफट तैयार होकर जाना है, बिकॉज़ अर्ली मॉर्निंग जाके वो पूरी डॉक्यूमेंट्री करनी है डिस्चार्ज की, और 10-11 बजे तक जो है उनका डिस्चार्ज हो जाएगा, और फिर हम घर आने वाले हैं बड़े धूमधाम से, और आपको बताने वाले हैं कि हमारे घर में नन्हे से मेहमान कौन आए हैं। तब तक आप गेस कर लीजिए, कमेंट करके रखिए कि आपको क्या लगता है, ठीक है। तो अब फाइनली गाइस हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुका हूं और देख सकते कितना ही ज़्यादा साइलेंस है यहां पर। और पहले तो मैं थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखा देता हूं आपको, ये देख लीजिए कितना ही खूबसूरत बाहर का नज़ारा है। तो फाइनली अब जो बारी आती है देखने की चीकू को, सॉरी चीकू का नाम याद आ रहा है मुझे। तो देख सकते हो ममता का बेड, कैसी हो, क्या हुआ, ज़्यादा रोया रात को, गुड मॉर्निंग, लो लड्डू खा लो। गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग, सभी कहा है बोल दो, इधर करो मुँह। तो यार गाइस बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, हाय। सभी कहा करो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, हेलो करो। हेलो। तो कमेंट करके जरूर बताइए। और अब हम थोड़ी देर में घर जाने वाले हैं और तब जाके हम फाइनल रिजल्ट बताएंगे। तो आप गेज कर सकते हैं बेबी हमारी, तो क्या बेबी हो सकती है। अब कंडीशन बेटर है ममता की भी, बहुत ज़्यादा तकलीफ सहने के बाद, एक दिन रेस्ट करने के बाद, और बेबी भी गुड है और बहुत काफ़ी अच्छा खुश है। देखो एक आँख खोल खोल के देख रहा है पापा को। हाय हाय करो, देखो सबको हाय करो, हाय, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय हिंद करो, जय हिंद। तो भाई ऐसा कुछ है हमारा बेबी दिखने में, आप देख सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट और लाइक ज़रूर करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसे भी लगता है। तो फाइनल रिजल्ट तो हम घर जाके ही आपको बताने वाले हैं, भगवान का दर्शन लेने के बाद, घर में एंट्री होने के बाद। तो फिलहाल इनको अभी मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करना है, नीचे जाके डॉक्यूमेंट्री पूरी करनी है, और फिर हम नए मेहमान को, क्यूट मेहमान को लेके जाने वाले हैं हमारे घर, ठीक है। तो सबको एक बार हाई कर दो ना यार, हाई कर दो। तो क्या बेबी है आप गेज कर लेना, लास्ट के वीडियो के लास्ट में हम फाइनली आपको बता ही देने वाले हैं, ठीक है। अब ममता तुम ठीक हो ना, बढ़िया है। ज़्यादा तकलीफ हुई थी। चलो तकलीफ तो उन्हीं को पता है कितनी हुई थी, हमें भी। सो फाइनली यार पहली बार जो है बेबी को ले रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है यार, आप सबका आशीर्वाद हम सबके साथ है। तो
बहुत ही अच्छा सब कुछ हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसके बाद, जो हुआ था उसी रात हुआ था, लेकिन उसके बाद अभी सब कुछ बेटर है। आपने देखा ममता गुड है और बेबी तो देख लो कितनी खुश है पापा के गोदी में आके। ठीक है, हाय करो सबको, हाय। कितने सारे लोग देख रहे हैं आपको, देख लो कितने सारे लोग आपके लिए प्रे कर रहे थे, पता है कितने सारे लोगों की दुआ है, देख लो। बात करो पापा से, आँख खोलो, आँख खोलो। बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही ज्यादा। क्यों रोई है बताओ, पहले बताओ रात भर क्यों रोई? मम्मी की याद आ रही थी, मम्मी कितनी याद आ रही थी। अभी मम्मी आ रही है, पता है मम्मी आ रही है। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी चलो चलो, हाँ फटाफट उठो उठो, उठ के खड़ी हो जाओ, चलो फटाफट चलो। अभी देखो यार चिकू कितनी खुश है, हाय करो सबको, हाय करो फटाफट। हाँ तो अब खुश क्यों है ये बताओ, आज कौन आने वाला घर में है, कौन? ठीक है, तो अभी चिकू को भी सरप्राइज है, और अभी फिर से मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। क्या हुआ, क्या संडे होने की वजह से जो है ना डिफेंस के जो डॉक्टर होते हैं ना, वो संडे को छुट्टी पर होते हैं, उनके इमरजेंसी केस में आते हैं हॉस्पिटल में, तो इस वजह से डिस्चार्ज में मुझे पूरा दिन लग गया और हुआ नहीं। अभी बज रहे 5 शाम के, पर अब जाके डिस्चार्ज हुआ है, तो अभी मैं लेने जा रहा हूँ ममता को, साथ में मेरे आएगी चिकू। चिकू रेडी हो, आओगी? आई आएगी क्या, आओगी? ठीक है तो चलो, ठीक है इसको चड्डी पहनाओ। चलो डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं और अभी ममता को जाके लेते हैं और फिर चलेंगे। चलो जल्दी जल्दी चलो सारे, चलो 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 फटाफट चलो। अरे मम्मी से बात नहीं की, बेबी से नहीं बात किया, बात करो, हाय करो बेबी को, हाय करो। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो सारे, चलो 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 फटाफट चलो। अरे मम्मी से बात नहीं की, बेबी से नहीं बात किया, बात करो, हाय करो बेबी को, हाय करो। चलो बेस्ट होगा आपके सजेशन से, वो रखेंगे ठीक है, जो ऐसे होना चाहिए।
बिकॉज ए अल्फाबेट है पहला लेटर, और दूसरी बात इसका वर्ण अंडमान निकोबार से है, तो अंडमान का ये हम रखेंगे, ठीक है, सही है ना। चलो, तो थैंक यू सो मच सभी को एक बार फिर से, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।